हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर शशि त्यागी। टुडे वी विल डिस्कस डेफिनेट इंटीग्रल्स पार्ट थर्ड इन इंटीग्रल कैलकुलस। इन दिस पार्ट वी विल डिस्कस द डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम। इसकी डेफिनेशन और इसका जो हमारा प्रोसीजर है वो भी मैं इसमें डिस्कस करूँगी, एंड सॉल्यूशन ऑफ सम इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स टेकन फ्रॉम एग्जाम पेपर्स। सबसे पहले डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, अब तक हमने जो पढ़ा था, इंटीग्रेशन हैज़ बीन द डिफाइंड एज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जिससे हम किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं और फिर उसका जो आंसर आता है उसे को अगर हम डिफरेंशिएट करें तो हमारे पास फिर से वही इंटीग्रेशन वाला फंक्शन आ जाता है। लेकिन indefinite integral, but it is also possible to regard a definite integral as the limit of sum of certain numbers of terms when the number of terms tends to infinity and each term tends to zero. इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। डेफिनेशन है इसकी, let fx be a single valued continuous function defined in the interval a b where b is greater than a, and let the interval a b be divided into n equal parts of each of length h so that n h equal to b minus a, b is the upper limit and a is the lower limit. Then we define integration a to b fx dx is equal to limit h into fa fa plus h fa plus 2h up to fa n minus h when n where n tends to infinity, h tends to 0 and n h tends to b minus a. जो हमारी लिमिट है लोअर और अपर b minus a, उसे हम एन पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, इक्वल पार्ट्स में, जिसकी कि हर पार्ट की लेंथ क्या है, एच है, और अपने फंक्शन को जो एफ एक्स फंक्शन है उसको ए पर निकाल लेते हैं, एफ ए प्लस एच पर, एफ टू ए प्लस एच पर, एफ ए एन माइनस वन एच पर निकाल लेंगे और उसकी लिमिट ले लेंगे हम एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड एच टेंड्स टू ज़ीरो। तो वो ये जो वैल्यू हमारी आएगी ये हमारी इस डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू होगी। ये हमारा इसमें एम है करने के लिए। दस ए इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू लिमिट एस टेंड्स टू ज़ीरो इज इन टू ऑफ एच समीशन, जो हमने ऊपर एक्सपेंशन लिखा था उसका समीशन कर लिया, आर गो ज़ीरो टू एन माइनस वन एफ ए प्लस आर एच वेयर एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड एस एस टेंड्स टू ज़ीरो एंड एन एच रिमेन्स इक्वल टू बी माइनस ए। वी कॉल दिस इंटीग्रेशन एज द डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स बिटवीन द लिमिट्स ए एंड बी। इसे हम न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से हमारा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल फर्स्ट कंसिडर किया मैंने, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ और डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम इवेल्यूएट करना है हमको, कैलकुलेट करना है इंटीग्रेशन ए टू बी ई टू द पावर एक्स डी एक्स। इसमें स्टूडेंट्स यहाँ से देखिए एफ एक्स की वैल्यू क्या है, ई टू द पावर ए एक्स, देयरफॉर एफ ए की वैल्यू हो जाएगी ई टू द पावर ए, एफ ए प्लस एच की वैल्यू हो जाएगी ई टू द पावर ए प्लस एच एंड सो ऑन। इंटीग्रेशन हमारा क्या हो गया, ए टू बी ई टू द पावर ए एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है। इसे हम लिख सकते हैं लिमिट ई टू द पावर ए प्लस ई टू द पावर ए प्लस एच प्लस ई टू द पावर टू ए प्लस एच अप टू ई टू द पावर ए एन माइनस वन एच, या एच और आ जाएगा, वेयर एन एच की वैल्यू क्या है, बी माइनस ए एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड एच टेंड्स टू ज़ीरो। इसमें ये एच यहाँ पर छूट गया है, एच और इसके साथ में ऐड हो जाएगा इस फंक्शन इस एक्सप्रेशन के साथ में लिमिट के बाद। तो अब हम इस ये जो हमारा इधर ये एक्सपेंशन आ गया इसको कैलकुलेट करेंगे, लिमिट एस टेंड्स टू ज़ीरो
एच इंटू ई टू द पावर ए कॉमन ले लिया तो अंदर क्या आ गया हमारा, 1 प्लस ई की पावर एच प्लस ई टू द पावर 2h प्लस ई टू द पावर एन माइनस 1h। इस ये हमारी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो एच ई टू द पावर ए ई टू द पावर एच की पावर एन माइनस 1 और नीचे आ जाएगा ई टू द पावर एच माइनस 1। और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा एच ई टू द पावर ए ई की पावर एन एच माइनस 1 ई टू द पावर एच माइनस 1। अब एन एच की वैल्यू हमारी क्या है, बी माइनस ए, ये वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी, बी माइनस ए एच ई टू द पावर ए ई टू द पावर बी माइनस ए माइनस 1 ओवर ई टू द पावर एच माइनस 1। इसको इस तरीके से और सिंप्लीफाई करके इस तरीके से लिखेंगे, ई टू द पावर ए ई टू द पावर बी माइनस ए माइनस 1, ये तो एक तरफ रख लिया और ये हमारा आ गया एच ओवर ई टू द पावर एच माइनस 1। जब हम इसकी लिमिट लेते हैं तो हमारा कॉन्स्टेंट हो गया, लिमिट लेंगे तो ये 0/0 की फॉर्म बन गई, 0/0 की फॉर्म है तो एल हॉस्पिटल रूल इसमें हम लगा देंगे, उससे हमारा क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर का डिफरेंशियल कर लेते हैं और डिनोमिनेटर का अलग से कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1 की पावर ई माइनस एच। जब इसकी अगर हम लिमिट निकालते हैं इस फंक्शन की एच ओवर ई टू द पावर एच माइनस 1, तो एल हॉस्पिटल रूल लगाने के बाद हमारा आ जाता है लिमिट 1 बाई ई की पावर एच, जब हम इसकी लिमिट निकालते हैं तो ये हमारी 1 आ जाती है। तो अब हमारा क्या आंसर आ जाएगा, ई टू द पावर ए उसकी लिमिट तो 1 आ गई, ई टू द पावर बी माइनस ए माइनस 1, इसको कैलकुलेट और सिंप्लीफाई कर लिया, ई टू द पावर बी माइनस ई टू द पावर ए, दिस इज द आंसर। नाउ कम टू इसी तरह सेकंड क्वेश्चन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, इसको कैलकुलेट करते हैं। इवेलुएट इंटीग्रेशन ए टू बी एक्स स्क्वायर डी एक्स डायरेक्टली फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम। इसमें हम इंटीग्रेशन वाले फार्मूले नहीं लगा रहे हैं, हम क्या लगा रहे हैं, लिमिट ऑफ सम, इससे कैलकुलेट कर रहे हैं अपना इंटीग्रेशन। ये इसमें हम डेफिनेट इंटीग्रल को ही सॉल्व कर सकते हैं, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम वी नो दैट, हमें ये फार्मूला पता है, ए टू दी ए टू बी इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एच, ये आ जाएगा हमारा एच और यहाँ आ जाएगा एफ ए, एफ ए प्लस टू एच, एफ ए प्लस टू एच अप टू एफ ए एन माइनस 1 एच, वेयर एच टेंड्स टू ज़ीरो एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एन एच टेंड्स टू बी माइनस ए। यहाँ पर हमारा फंक्शन क्या आ गया, एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर है, देयर फोर एफ ए एफ ए प्लस एच एफ टू ए प्लस एच एटसेट्रा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर ए प्लस एच का स्क्वायर ए प्लस टू एच का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। ये वैल्यूज हम अपने इस फॉर्मूले में रख देंगे तो हमारे पास क्या आ गया, ये इंटीग्रेशन ए टू बी एक्स स्क्वायर डी एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एच ए स्क्वायर प्लस ए प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस टू एच का होल स्क्वायर एंड ए प्लस एन माइनस 1 का 1 इंटू एच का होल स्क्वायर। यहाँ से देखिए जब हम इसको और इसमें क्या है, वेयर एच टेंड्स टू जीरो एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एन एच टेंड्स टू बी माइनस ए, वही सब ऊपर वाला है। जब हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ क्या है, ए स्क्वायर, ये ए प्लस एच का स्क्वायर है तो ए स्क्वायर आ जाएगा, ए प्लस टू एच का स्क्वायर है, ए स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा, एक ए स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा। तो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, एच तो हमारा बाहर ही है, एन ए स्क्वायर आ गया, ए जो है एन फैक्टर्स में है, फिर सेकंड टर्म हमारी टू ए एन प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू एन माइनस 1 आ जाएगी, और जो तीसरी टर्म्स है वो क्या आ जाएगी, एच स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू एन माइनस 1 का स्क्वायर,
इस तरह से हमारी इसमें दो सीरीज़ बन गई हैं, क्योंकि ये इसमें क्या है हमारा, ये सब हमारे होल स्क्वायर हैं। तो होल स्क्वायर को जब हम सिंपलीफाई करते हैं तो हमारे पास तीन टर्म्स आती हैं, वही तीन टर्म्स हमारी इसमें हमारी इस तरीके से आ गई। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, इस सीरीज़ को सिंपलीफाई करना, इस सीरीज़ को सिंपलीफाई करना। ये सीरीज़ हमारी क्या है, 1 + 2 + 3 अप टू एन माइनस वन। ये क्या है, 1² + 2² + 3² अप टू एन माइनस वन स्क्वायर। तो समीशन एन वैल्यू की वैल्यू जो है हमारी, ये क्या है, समीशन एन है, एन एन माइनस वन बाई टू, एंड समीशन एन स्क्वायर हमारा होता है एन एन प्लस वन, 2n+1/6। टेकिंग, अब एन इसमें हमारा क्या है, एन माइनस वन तक जा रहा है, यहाँ पर हमारा एन माइ एन की जगह क्या है, एन माइनस वन है। तो ये रिजल्ट की हेल्प से हम इसको इन सीरीज़ की वैल्यूज इसमें रख देंगे। ए टू बी इंटीग्रेशन x² dx लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी h, यह आ जाएगा n² 2ah एन माइनस वन इंटू एन बाई टू h²/6 एन माइनस वन एन 2n-1, ये वैल्यू जाएगी। इसको और सिंप्लीफाई करते चले जाएंगे और लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा, ये फंक्शन आएगा सिंप्लीफाई करने के बाद। जब इसमें हम लिमिट रखेंगे तो लिमिट रखने के बाद हमारा यहाँ से देखिए ये आ गया, लिमिट रखने पर ये सिंप्लीफाई करके आ गया, और इसको सिंप्लीफाई करते चले जाएंगे तो ये हमारे पास 1/3 b³ - a³, ये हमारा आंसर आ जाएगा। लिमिट वाला फार्मूला इसमें हम लगाते हैं, लिमिट रखेंगे इसमें हम एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, सॉरी एच एन जो है इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, और एच हमारा 0 की तरफ जा रहा है। ये लिमिट इसमें एच की हम इसमें रख देंगे, और एन ये हमारी एन की एन एच की वैल्यू हमारी b-a है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट। इसी तरह के एक दो क्वेश्चन आपने बुक से करिए, और इन्हीं इसी लेक्चर को 2-3 बार देखिए क्वेश्चन करके। तो और कोई डिफ़िकल्टी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और इसका PDF नोट्स जो है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट पे इस लेक्चर को शेयर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।